संगीत की दुनिया में मथुरा का नाम रोशन करने वाले ब्रजवासी ब्रदर्स को मुंबई में आयोजित एक समारोह में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के बाद मथुरा लौटे हेमंत ब्रजवासी ने यह पुरस्कार समस्त ब्रजवासियों को समर्पित किया। क्या बात है, क्या बात है? संगीत की दुनिया में अपने सुरों का डंका बजाकर केवल मथुरा ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश का नाम भारतवर्ष में रोशन करने वाले ब्रजवासी ब्रदर्स को संगीत के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत का बढ़ावा देने पर मुंबई में आयोजित एक विशाल समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या बात है, क्या बात है? बता दें कि यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में किसी पदभूषण से कम नहीं है। पहले यह पुरस्कार अभिनय निर्देशन संगीत की दुनिया में अपनी उम्र गुजार देने वाले वृद्ध लोगों को मिलता था, लेकिन अब इस पुरस्कार के लिए युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। इसी के तहत ब्रजवासी ब्रदर्स को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इस मौके पर हेमंत ब्रजवासी ने इस पुरस्कार को समस्त ब्रजवासियों को समर्पित करते हुए कहा कि संगीत के क्षेत्र में समूचे भारतवर्ष में उनकी कला को सहारा गया और सम्मानित किया गया, लेकिन उन्हें इस बात की पीड़ा है कि उन्हीं के उत्तर प्रदेश की तरफ से आज तक उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन जो कुछ उन्हें मिला वह ब्रजवासियों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। सबसे पहले तो सारे जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कुंज बिहारी श्री हरदास। और ये जो अवार्ड है ये है दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 जी। और ये पहली बार युवा को मिला है किसी को जी। युवा श्रेणी में मिला है। प्रधानमंत्री जी ने ये नई चीज चलाई क्योंकि युवाओं को आगे कर रहे हैं जी, सबसे ज्यादा। तो ये पहली कैटेगरी है जिसमें हमें पहली बार ये अवार्ड मिला है। दूसरी चीज ये कि जब मुझे ये फोन आया था, मिनिस्ट्री से ये फोन आया था, प्रधानमंत्री जी का लेटर आता है, पूरा एक ऑफिशियल इन्विटेशन आता है मेरे पास आया, तो पहले फोन आया था सबसे पहले, तो मुझे लगा मैंने कि ऐसे ही, क्योंकि दादा साहब फाल्के जो अवार्ड है वो एज लोगों को ज्यादा दिया जाता है, तो मैंने तो वही सुना था, तो मुझे विश्वास नहीं हो, मैंने कि कोई फेक कॉल है शायद। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से एक बड़े हमारे मेरे अंकल हैं अनिल मिश्रा जी, उनका फोन आया जो कि डायरेक्टर है वहाँ पे, तो उनका फोन आया, बोले आपके हुकुम जी आपके बच्चों को ये अवार्ड सच में मिल रहा है। तो पापा भी बहुत खुश हुए क्योंकि दादा साहब फाल्के अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, ये बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री का पद्मश्री है और उसी की बराबर ये कंट्रीब्यूट, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है, इस श्रेणी में हमें मिला है कि हमने कंट्रीब्यूशन दिया है यंग लोगों को क्लासिकल म्यूजिक से प्रेरित करने के लिए। यंग लोग जितने भी हैं उनको क्लासिकल से हमने प्रेरित किया, इसलिए ये अवार्ड हमें मिला। हालांकि मुझे तो नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है ब्रजवासी ब्रदर्स को, और ये दूसरा नेशनल अवार्ड ही है, तो बड़ी खुशी है इस बात की। बिहारी जी, ये तो अवार्ड ही बिहारी जी का है, ब्रजवासियों का है, मेरा तो है ही, मेरे जीवन में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा सिर्फ सब कुछ ब्रजवासी हैं और मेरे ठाकुर जी हैं बस। युवाओं के लिए कुछ नया संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है मेरी तरफ से कि ठाकुर जी को सबसे पहले तो अपने, जो भी आपका धर्म है उसे अपने धर्म से प्यार करें, दूसरा अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, सही चीज़ पढ़ें लिखें, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ही करें, आईपीएस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ हमारे मथुरा से बहुत कम टैलेंट बाहर निकलता है। और इसमें एक्चुअली बड़ा ये मुझे खेद है इस बात का कि ये अवार्ड भी मुझे बम्बई की तरफ से मिला है, ये बड़े बहुत दुख की बात है कि मुझे कोई भी अवार्ड मेरे यूपी ने नहीं दिया। तो मैं ये और कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है कि जितने लोग, कुछ ही तो चंद्रमा लोग हैं जो नाम कर रहे हैं मथुरा का, उनको और आगे लिया जाए। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं पुरानी, जो पुराने लोग हैं, मैं तो चलो बच्चा हूं अभी, पुराने लोग हैं, ये उन लोगों का अवार्ड है, ये मेरा अवार्ड नहीं है, ये उन पुराने लोगों ने जिन्होंने ब्रिज के लिए संघर्ष किया है, ब्रिज के जो लोक संगीत को आगे लेके आए, ये उनका अवार्ड है।